हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो स्वागत है दोस्तों नायक ब्लॉग में, और आज हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र जी, आप देख सकते हैं। हेलो। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, बोकारो का जू। तो लॉकडाउन के बाद पहली बार ये पार्क खुला हुआ है, ये जू खुला हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं अभी अवेलेबल, क्या क्या चीज़ें नया है, क्या क्या चीज़ें पुरानी है, सारा कुछ इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं बोकारो जू के अंदर में। सो गाइज, हम लोग बोकारो जू के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और मैं एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, और आप लोग के साथ ऐसा परेशानी ना हो। सो अगर आप बोकारो जू अगर आते हैं घूमने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले आपको एक एटीएम लेके चलना पड़ेगा, और एटीएम के थ्रू से ही यहाँ पे पेमेंट होता है, ना कैश लिया जाता है, ना फ़ोनपे है, ना पेटीएम है, ठीक है? तो इस परेशानी में ना फंसिएगा, एटीएम लेके आइएगा, तब यहाँ पे स्वैप होगा, तब जाके आपको कार्ड मिलेगा। क्या जितेंद्र भाई, सही है ना? बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम लोग एक भैया की मदद से एटीएम स्वैप करवाएं, तब जाके हम लोग को टिकट मिला। तो फाइनली अभी हम लोग बोकारो जू के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए फिर वीडियो पे आप लोग बने रहिए, आगे कुछ और व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग। सो गाइस, पार्क के अंदर एंटर करने के बाद आपको फर्स्ट व्यू जो मिलेगा वो जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू मिलेगा, और यही नाम से इस पार्क को रखा गया है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। सो गाइस, आप देख सकते हैं चारों तरफ फूल लगाया गया है इस पार्क को, और अभी हम लोग जा रहे हैं मछली घर के तरफ, और आगे जाके देखेंगे कि मछली घर खुला है या नहीं खुला है। सो गाइस, आप देख सकते हैं पीछे में जल जीव विहार, ये मछली घर है, ये मछली घर है। और जब हम लोग बचपन में यहाँ घूमने के लिए आते थे तो बहुत सारी मछलियाँ देखने को लिए मिलता था, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है ये। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पे मौजूद कुछ जानवर पशु पक्षी वगैरह देखने के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं अभी यहाँ पे, सारा कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, और हो सके तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि कोई भी बोकारो जू विजिट करने के लिए आएँ, घूमने के लिए आएँ, तो ये ब्लॉग को एक बार देख लें, उसके बाद ही आएँ, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आप ब्लॉग पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, और वीडियो पर बने रहिए। सो गाइज, पहले आप लोगों को सबसे पहला जीव जो है वो बंदर मामा से आप लोगों को मिला रहे हैं, तो बच्चा लोगों को बहुत मज़ा आएगा बंदर मामा से मिलाने के बाद आप लोगों को। तो आप लोग फर्स्ट व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे मंकी है, आप देख सकते हो छोटा सा मंकी, प्यारा सा मंकी, काफ़ी शैतानी कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। हेलो, देख रहे हैं ना यहाँ पे? अच्छा, बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाएंगे तो काफ़ी बेहतर नज़र आएगा, शायद फ्रंट कैमरा से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे मंकी है यहाँ पे, तो बच्चे लोगों देख लो, यहाँ पे छोटा सा मंकी, प्यारा सा मंकी है यहाँ पे, तो आपको मैं बैक कैमरा से दिखाने वाला हूँ। और ये रहा प्यारा सा मंकी, आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद पहली बार, पता नहीं जानवरों का क्या हाल है, पशु पक्षी का क्या हाल है, आप लोग इस ब्लॉग में देखिए। और एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मंकी को देख सकते हैं आप, वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। हेलो, देखिए 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 यहाँ पे बंदर मामा, और ये छोटा छोटा प्यारा प्यारा नाना नाना सा मंकी, हाय। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे तेंदुआ, यहाँ पर है तेंदुआ है, जिसे लियोपार्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, देख लीजिए इतना सामने से, नजदीक से आप लोगों को देखने को मिल रहा है,
तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि ये कैसे हम लोगों की तरफ आंखें घूर के देख रहा है। चलिए बहुत बहुत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितेंद्र जी तेंदुए को अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए, देख सकते हैं ना लॉकडाउन तक कितना भूखा है। सो गाइज, इस ब्लॉग में आप लोगों को अजगर से मिलवाना चाहता था, लेकिन बट अजगर सांप अभी सोया हुआ है, जिसके वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। और देख सकते हैं कुछ लोग धनबाद से आए हुए हैं इस पार्क को देखने के लिए, इस जू को विजिट करने के लिए। तो अभी सारे लोग वेट कर रहे हैं अजगर का निकलने का, लेकिन अजगर अभी सोया हुआ है। अगर निकल जाए तो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊँगा ज़रूर, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं पीछे में छोटा सा आकार में कोना में अभी सोया हुआ है अजगर सांप, और यहाँ पे जाली है, इसके वजह से आपको क्लियर दिखा नहीं पा रहे हम, लेकिन जूम करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा पार्क घूमने के बाद मुश्किल से एक दरियाई घोड़ा दिखाई दिया हम लोगों को, और आप देख सकते हैं शायद चारा खा रहा है। सो बच्चा लोगों, आप देख सकते हो ये दरियाई घोड़ा है, और वो अपना चारा खाने में अभी बिजी, हम लोग की तरफ नहीं देख रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दरियाई घोड़ा है ना, ये छोटा सा पानी का जो तालाब का आकार का बना होता है, जिसको हम लोग जलाशय कहते हैं, और ये वो जो है ना जानवर यहाँ पे रहता है, क्योंकि इसे गर्मी बहुत लगती है, इसलिए ये तालाब के अंदर में डूब के रहना ज़्यादातर पसंद करता है। सो आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा आया हुआ है दरियाई घोड़ा को देखने के लिए। कौन सा जानवर बेटा? कौन सा जानवर है? दरियाई घोड़ा। तो देखिए बच्चे लोग ने दरियाई घोड़ा देख के काफ़ी खुश हो चुके हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, कुछ और व्यू मैं इस पार्क का दिखाने वाला हूँ, इस जू का दिखाने वाला हूँ। सो जितेंद्र, क्या हालचाल है भाई? मेरा तो हालचाल ठीक है, बट वीडियो का हालचाल पता नहीं कैसा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जानवर दिखने को बहुत ही कम मिल रहा है। बिल्कुल गाइज, मतलब जो उम्मीद करके हम लोग आए थे ना इस पार्क में, इस जू में, कि आप लोगों को कुछ दिखाऊं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ विशेष देखने को अभी तक हम लोगों को मिला नहीं। और हम लोग पूरा पार्क घूम ही रहे हैं, और आप लोगों को दिखाना भी चाहते हैं कि कुछ मिल जाए जानवर पशु पक्षी जो आप लोगों को भी दिखाएं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो उम्मीद कीजिए कि आगे कुछ और देखने को मिल जाए, तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। सो बहुत घूमने के बाद एक छोटा सा शुतुरमुर्ग हम लोगों को दिखा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस पक्षी को देख लीजिए, और आप देख सकते हैं कितना बिसेला दिख रहा है, कितना बड़ा है। तो डरना नहीं बच्चा लोग, ध्यान से देखना है, और करीब से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इतना करीब से आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी भी वीडियो में, देख सकते हैं। और पीछे भी देखिए कुछ कुछ और नज़र आ रहे होंगे आपको, देख सकते हैं कि हम लोग सब वीडियो बनाने आए हैं। हेलो हेलो, मजा आ रहा है ना। चलिए, और आप ज़्यादातर विदेश के जंगलों में इस पशु को देखते होंगे, ये हिरण के आकार के जैसे है, पता नहीं क्या नाम है, और ये लोग का सींग जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है। ये सब जो पशु है ना दोस्तों, ये सब ज़्यादातर विदेशी जंगलों में, विदेशी पार्कों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और अभी यहाँ एक ब्लैक बक का झुंड को भी आप देख सकते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, आ जाओ। नहीं आओगे? आ रहे हैं और मस्त अपना घूम रहे हैं। आई थिंक ये लोग भी लॉकडाउन के बाद आज सभी को एक साथ इकट्ठा हुए होंगे उधर। ये रहा पीकॉक, और आप देख सकते हैं पीछे में पीकॉक मोरनी, जिसे राष्ट्रीय पक्षी भी हम लोग कहते हैं।
और ये देख सकते हैं छोटा सा ट्रेन चेन्नई एक्सप्रेस कुछ पैसेंजर को लेकर रवाना हो चुकी है, जो पूरा इस जैविक उद्यान का सैर कराएगी। JNB पार्क बोकारो ट्रायल ट्रेन टिकट दर प्रति व्यक्ति बच्चे 10 रुपये, मात्र 10 रुपये में आप शेयर कर सकते हैं इस ट्रेन से। सो गाइस, आप लोगों ने बोकारो का जू देखा, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान को देखा, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें। और हम लोग उम्मीद किए थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु जो दिखे हम लोगों को, आप लोगों के बीच में भी दिखाएँ, लेकिन बाकी तो सारा कुछ दिखा, लेकिन यहाँ पर टाइगर नहीं दिखा, शेर नहीं दिखा, और एक मगरमच्छ नहीं दिखा, जो हम लोगों को भी शायद अच्छा नहीं लगा। पता नहीं आप लोगों को क्या लगा नहीं लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अगर इस पार्क में, इस जू में घूमने के लिए आए तो पहले इस ब्लॉग को देख लें, उसके बाद ही यहाँ पे आए। जितेंद्र भाई, तुम्हें कैसा लगा? मुझे पार्क, हालांकि इसे ऑलमोस्ट बढ़िया लगा, इसे ख़राब है नहीं है, बहुत अच्छा है, बट कुछ कुछ जानवर देखने को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं निराशा हुआ, और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा निराशाजनक ये बात है। बाकी ये ठीक है, आप लोग चाहो तो आराम से आ सकते हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं है, उस हिसाब से ये पार्क, ये नेहरू पार्क जैविक उद्यान काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए, आ सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग न्यू यात्रा में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।